हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास सिक्स सुनहरी धूप टेक्स्ट बुक से जो हमारा लेसन नंबर 5 है नीलू, इस पाठ के हम लोग मौखिक, लिखित और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज के इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क नंबर जो ये मौखिक दिया हुआ है, मौखिक का ये जो पहला है, नीलू की कथा किसकी कथा के बिना अपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, नीलू की कथा उसकी माँ लूसी की कथा से इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि एक के बिना दूसरे की कथा अपूर्ण रह जाती है। अगला प्रश्न है, लूसी की मैत्री किससे हो गई? इसका उत्तर है, लूसी की मैत्री एक भूटिया कुत्ते के साथ हो गई थी। अगला प्रश्न, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों का क्या हुआ? इसका उत्तर है, जन्म के बाद लूसी के दोनों बच्चों में से एक तो शीत के कारण, शीत यानी ठंड के कारण मर गया था और दूसरे बच्चे को लेखिका ने बहुत कोशिश यानी कि बहुत ही प्रयास करके शीत से बचा लिया था, यानी कि ठंड से बचा लिया। अगला प्रश्न है, किसी परिचित के आने की सूचना नीलू कैसे देता था? इसका उत्तर है, किसी परिचित के आने की सूचना देने के लिए नीलू लेखिका के कमरे के दरवाजे पर आकर धीरे से खड़ा हो जाता था। अगला प्रश्न है, नीलू का जीवन कितने वर्षों का था? इसका उत्तर है, नीलू का जीवन 14 वर्षों का था। अगला जो हमारा है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, जो पहला है, लूसी की मृत्यु कैसे हुई? इसका उत्तर है, एक बार लूसी संध्या के समय शीतकाल के कोहरे में सामान लेने जा रही थी, तभी लकड़बग्घे ने उसे मार दिया। शीतकाल में कुत्तों के सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, इसी कारण लूसी को लकड़बग्घे की गंध नहीं मिल पाई और लकड़बग्घे ने उसे अपना शिकार बना लिया। अगला प्रश्न है, नीलू के स्वभाव की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर है, नीलू एक स्वाभिमानी, स्वामी भक्त व सच्चा पहरेदार था। अवज्ञा से फेंके खाने को वह सूंघता भी नहीं था। उसे लेखिका अगर डांट भी दे तो वह तब तक सामने ही नहीं आता था जब तक लेखिका उसे मनाए नहीं। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, नीलू का कैसा स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था? इसका उत्तर है, नीलू का अहिंसक स्वभाव सबके लिए आश्चर्य का विषय था क्योंकि हिंसक एवं क्रोधी भूटिए पिता और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी अपने पूरे जीवन काल में उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था। इसमें जो पहला पॉइंट दिया है, यहाँ किन दिनों की बात हो रही है? तो यहाँ उन दिनों की बात हो रही है जिन दिनों लेखिका के बंगले के रोशनदानों में पक्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक बनाए गए घोंसलों में अंडों एवं पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती थी। अगला है सेकेंड नंबर, नीलू किनका सतर्क पहरेदार बन जाता था और क्यों? इसका उत्तर है, नीलू उन सभी शावकों का सतर्क पहरेदार बन जाता था जो कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। नीलू के भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने फिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। अगला प्रश्न है, सबके सो जाने पर नीलू क्या करता था? इसका उत्तर है, सबके सो जाने पर नीलू गर्मियों में बाहर लॉन में, सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता था। रात में कई कई बार वह पूरे कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। अगला जो प्रश्न है, नीलू ने खरगोशों की जान कैसे बचाई? तो इसका उत्तर है, नीलू ने पत्तियों की सरसराहट से जान लिया कि खरगोश किसी संकट में फंसे हुए हैं। उसने फौरन दीवार फांदकर और दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर बिल्ले से खरगोशों की जान बचाई। खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर ही खड़ा रहा। अगला प्रश्न, लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता क्यों थी? इसका उत्तर है, यदि लेखिका
नीलू को किसी बात पर छिड़क देती थी तो वह बिना मनाए उसके सामने ही नहीं आता था। इसलिए लेखिका को नीलू के बुरा मान जाने की चिंता हमेशा रहती थी। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। कौन सी बातें लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी? इसका उत्तर है लूसी अल्सेशियन जाति की थी। हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, शरीर पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली और छोटी आँखें, सजग खड़े कान, सघन रोएदार तथा लंबी पूंछ आदि सब मिलकर लूसी को राजसी विशेषताएं प्रदान करती थी। अगला है प्रश्न। पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है शीतकाल में रास्ता बर्फ से ढक जाने के कारण उत्तरायण के निवासी लूसी से ही सामान मंगवाते थे। लोगों के भुलक्कड़पन के कारण कभी कभी तो दिन में उसे कई बार दुकान पर जाना पड़ता था, पर वह कभी मना नहीं करती थी। उसे कभी उनके भुलक्कड़पन से शिकायत नहीं होती थी। वह हर समय खुशी खुशी दुकान से सामान लाने के लिए तैयार रहती थी। अगला है बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था? इसका उत्तर है बड़े होने पर नीलू बहुत सुंदर दिखता था। उसके रोम भूरे पीले और काले रंग के थे जो धूप छाही जैसे दिखते थे। कान चौड़े और नुकीले थे, सिर बड़ा चौड़ा और लंबोतरा पर सुडौल था। उसकी पूंछ सघन रोमों से युक्त ऊपर को मुड़ी कुंडलीदार थी। उसके पैर लंबे लेकिन पंजे चौड़े मजबूत एवं मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उसकी आंखें गोल और काली कोर वाली तथा शहद के रंग जैसी थी। अगला प्रश्न है कुत्ते के दैन्य से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है। इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती है, उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है इस कथन के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती है कि नीलू बड़ा स्वाभिमानी कुत्ता था। उन्होंने ऐसा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वह उसकी ओर देखता भी नहीं था। खाना तो दूर रहा। यदि उसे किसी बात पर छिड़क दिया जाता तो बिना मनाए वह लेखिका के सामने ही नहीं आता था। अगला प्रश्न है नीलू का ध्वनि ज्ञान विस्तृत था। उदाहरण देकर इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य के समान हो जाता था। यदि कोई नीलू से कह देता कि उसे गुरुजी बुला रही हैं तो वह फौरन दौड़कर लेखिका के पास पहुंच जाता और तब तक वहां चुपचाप खड़ा रहता जब तक लेखिका कह न देती कि जाओ नीलू, अब कोई काम नहीं है। अगला प्रश्न है पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है पशु पक्षियों के साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक तथा मानवतापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी प्रेम व अपनत्व की भावना होती है। उनके साथ यदि हम सहानुभूति एवं प्रेम का व्यवहार करें तो वे भी सहृदयता तथा समझदारी का परिचय देंगे। वास्तव में मनुष्य की मनुष्यता तभी सामने आती है जब वह जीव मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करे, अन्यथा मनुष्य और पशु में बहुत अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न है लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने पर नीलू की क्या प्रतिक्रिया हुई? लेखिका इसका उत्तर है लेखिका के मोटर दुर्घटना में घायल होने और घर से जरूरी सामान अस्पताल ले जाने वाले लोगों की हड़बड़ी देखकर वह जान गया कि लेखिका अस्पताल में है और इस कारण वह उदास हो गया। उसने 3 दिन तक न खाया न पिया। तब लेखिका ने डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल बुला लिया। जब तक लेखिका अस्पताल में भर्ती रही तब तक वह हर दूसरे दिन उनसे मिलने अस्पताल जाया करता था। तो
यहाँ पर ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलते हैं फिर से अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।